बड़ी जानकारी दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। इसमें संजीव मित्तल राजस्व परिषद के चेयरमैन बना दिए गए हैं। मनोज कुमार सिंह यूपी के नए एपीसी बनाए गए हैं। प्रमुख सचिव पशुधन बनाए गए रजनीश दुबे और अमृत अभिजात प्रमुख सचिव नगर विकास, इनको नियुक्त किया गया है। तो बड़े पैमाने पर आप देख रहे हैं कि ये तबादले और ये बदलाव किया गया है। ये कुछ नाम है महत्वपूर्ण जिनको हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं। चाहे प्रमुख सचिव पशुधन रजनीश दुबे को बनाया गया हो, कुल मिलाकर के ये फेहरिस्त काफी लंबी है। 16 आईएएस अफसर हैं जिनके तबादले किए गए हैं। रजनीश हमारे साथ लगातार बने हुए। रजनीश, 16 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं, क्या जानकारी है? बड़े आईएएस के तबादले हुए क्योंकि एक चैलेंज था कि चूंकि नितिन गोकर्ण जो लोक निर्माण की जिम्मेदारी थी, जो केशव जी के साथ काम किए थे, तमाम पुराने विभाग के जो प्रमुख सचिव, ये सीनियर आईएएस का पद होता है, इन लोगों का तबादला होना था। जो तबादला की सूची है, एक नाम है रजनीश दुबे। रजनीश दुबे के जिम्मे नगर विकास जैसे प्रमुख महकमे की जिम्मेदारी दी गई थी। उस समय टंडन गोपाल टंडन मंत्री हुआ करते थे। इस बार एके शर्मा, जो खुद सीनियर ब्यूरोक्रेट से और वीआरएस लेके राजनीति में आए, तो उनके साथ काम करना एक बड़ा चैलेंज था। और चर्चा लगाया जा रहा था कि रजनीश दुबे की छुट्टी कभी भी हो सकती है, हालांकि जो कयास था कि 4 तारीख को होगा, लेकिन उस कयास पे मोहर नहीं लगी, आज ही हो गया। रजनीश दुबे, नितिन गोकर, अरविंद कुमार, ये तमाम बड़े नाम हैं जिनकी सत्ता के गलियारों में बड़ी हनिक होती थी और माना जाता था कि मंत्रियों से ज्यादा इनकी चलती है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को साइडलाइन में भी किया गया है। अगर हम बात करें रजनीश दुबे की, बात करें नितिन गोकर्ण की, बात करें नितिन गोकर्ण के जगह पे जिनको भेजा गया है वो जितिन प्रसाद, कहीं ना कहीं इसमें मंत्री के साथ बड़ा चैलेंज है कि लोग लाइन लेंथ बना के काम करते हैं कि नहीं करते। क्योंकि याद होगा उसकी 2017 से 2022 में तमाम ऐसी खबरें होती थी जिसमें आईएएस प्रमुख सचिव मंत्रियों के बीच रिश्ते तल्क होते थे, जिसे सारे काम पर ब्रेक लग जाता था। उम्मीद की जा रही है कि कुछ अच्छा होगा। बिल्कुल, चलिए रजनीश, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत के लिए।